अपन अगर अपना बेस्ट दिया ना ब्रो मेरे पे बग गया तब तक अपन गॉडल को बीट कर पाएंगे यार ना गॉडल गलती नहीं करेगी गॉडल कमबैक कर लेगी वो लोग हटते हैं उन लोग कमबैक कर लेते हैं वैसे केपेबिलिटी है अपने को तो अभी स्लो में आना है अभी तो अपन अभी तो इकट्ठे हुए हैं हां वही अभी अपना गॉडल का 130% भी नहीं है अभी असिंग बहुत स्ट्रांग है गॉडल के बिटवीन से आरएनडी आरएनडी बहुत सारी टीम्स के रास्ते में है लाइन बाय लाइन धीरे धीरे सीढ़ी लॉन्ग जर्नी हो जाएगा गिल थोड़ा बकचोदी से उठ के सीरियस हो जाए ना गिल गिल की आवाज ही नहीं आ रही बोल नहीं रहा सुन रहा हूं मैं सिचुएशन टॉक्स ओके डू वांट टू डू इट भैया 1 नवंबर में अप्रैल फुल कर दिया हेटर्स के क्या बोले भाई बेचारों के घर में दिवाली से पहले ही मैंने जो है बहुत गंदा फेस्टिवल बनवा दिया रो रहे होंगे अभी कहीं बैठ के बोले जा रहा है भाई बोले कहीं छोड़ के जा रहे हैं भाई फेम ले लिया अब निकल रहा है भाई है? और क्या था अभी सोल का वक्त खत्म टीएक्स का शुरू तो अब टीएक्स में ओनरशिप लेने जा रहा है भाई ये वही पंचे है आई थिंक जो अपने मम्मी पापा को भी लड़वाते होंगे आई फील मम्मी को जाके बोलते होंगे पापा ये कर रहे हैं पापा को जाके बोलते होंगे मम्मी ये कर रही है रात को पापा मम्मी एक दूसरे को धाम धूम देते होंगे और ये हंसते होंगे बैठ के अपने रूम में ये मजा आया बोल के बोलते होंगे ये मजा आया पापा इन लोग का फैंटेसी है वे उन सब चीजों में छोड़ो खैर इनके बारे में टाइम वेस्ट क्यों करें लेट्स गेट बैक टू बिजनेस पर भाई बुराई क्या है टीएक्स की ओनरशिप में भाई क्यों ले हम टीएक्स की ओनरशिप क्यों ले भाई टीएक्स की ओनरशिप लेनी होती तो उनको जाने देते क्या गजब हाल है भाई तुम लोग का क्यों ले भाई टीएक्स की ओनरशिप स्काउट भाई है उनके ओनर अपने आप संभालेंगे चीज को अक्सर चुम्मी दे दो मुझे और दो गालियां हेटर्स को हेटर्स को कुछ नहीं करना हेटर्स आर लाइफ प्लस पीपल अपने को हेटर्स से कोई मतलब नहीं है एंड इट विल बी हेट इज समथिंग विच इज यू नो फॉर एवर इट्स अ कॉन्स्टेंट यू कैनॉट डू एनीथिंग आप अच्छा करोगे तो भी हेट खाओगे बुरा करोगे तो भी हेट खाओगे तो उनके बारे में ना सोच के लेट्स डू आर जॉब लेट्स डू आर थिंग लेट्स रन आफ्टर आर ड्रीम्स आर गोल्स आर विजन है ना हेटर्स का कुछ नहीं है भाई हेटर्स तो चीज ही कुछ नहीं है अरे वो खुद के ही सगे नहीं है तो हम लोग क्या उनसे एक्सपेक्ट करेंगे लेट देम डू देयर जॉब लेट अस डू आवर जॉब वी हैव बीन डूइंग भोसड़ी का वो बोल रहा था बंदा रे वेंगलोर तो बैकअप दिया अगर उस कैसे बैकअप दे दूं मैं लेफ्ट पे मार रहा हूं मेरे ओपन में मेरे मुंह पे बंदे आ रहे हैं तू मार रहा है सेंटर लोगे बंदे पीओवी चल रहा है ना तो भोसड़ी के सब सब का पीओवी चल रहा है हां तो उधर देख लेना पीओवी चल रहा है सब देख सकते हैं और जब मैं तो बंदा बोल दे रहा हूं और चुते से जब आदमी कॉल दे ना कॉल फॉलो करो बाकी टीम में कुछ बोल रहे हैं हम लोग अपने वालों का क्या करें जो अपने पे चढ़ेंगे अरे गाना बजा लो भाई एक काम करो जो मैं बता रहा हूँ कि भाई और सबसे पहला चीज अपन जब शैक आ गया ठीक है अभी नीचे कॉल आ गया गिल का कि अपन शैक ले रहे गिल शैक दिया गिल के साथ एक बंदे को जाना जरूरी अगर गिल मेरे को नहीं ले सकता गिल किसी एक और को लेके जाएगा उधर मेरी गाड़ी फटी थी मैं इसके लेके गया उधर कि हां वही बोल रहा एक को लेके एक गिल तू एक को लेके तो जाना पड़ेगा इनके सर में स्लैम अगर तीन बंदे ऐसे कवर नहीं लेकिन एक बस पीछे वाला टायर फटी गाड़ी में जहां दो का रिस्क ही है ना अरे भोसड़ी के तो रिस्क मूव ही है पूरा इतना सोचने जाएगा तो आगे अरे गिल अकेला था ना ट्रिप में अकेला ही और हम पे भी गाड़ी थी इधर हम दोनों पे तो गया क्योंकि हमारा एडीएस मिल रहा था ऊपर से अगर इस पे स्लैम भी कर देता कोई उस टाइम साथ के साथ तो मार देते इधर से कितने मार देते मेरी जान दो मार देते तीन मार देते खत्म तीसरा बंदा मार देता चढ़ के गिल को मेरे को पता है पीछे से टीम कब से आके खड़ी है वो तो आएगी इसलिए तो हम भागे इसलिए तो हम भागे कि उधर से मरेंगे अरे अरे तो भाई तो तुम्हारा एक प्लेयर पीछे हट के दोनों नहीं भागेगा उसको नहीं निकालना है उसको निकालना नहीं है तो गाड़ी का कॉल आया बोल दे मेरे को साथ में लेके जाओ दो बार बोल दे चार बार चिल्लाया हूं गाड़ी नहीं है गिल पिक कर ले गिल चला गया मां भी गाड़ी नहीं है तुम निकल गए बोल रहे ना सैक्रिफाइसल खेलने तो अपना सैक्रिफाइसल में खेल ले पीछे कोई ना नेक्स्ट टाइम से बैठ जाएगा साथ में बिठाऊंगा
अबे कॉल्स कॉल सुन लिया करो भाई, अरे सब सुन रहे हैं रे, कब कौन सी कॉल मिस की रे, कौन सी नई लैंड कॉल वाला की कॉल।